Hare Krishna, Hare
की शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अवगुण का
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति 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 ओम प्रभो इसने भगवान कृष्ण की भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। अब और ना जिताना ए दो जहां के मालिक
कहीं तुम न रूठ जाना, मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मन हरण मोहन नजरिया ता नहीं, कोई मुझको श्याम बिन भाता नहीं, कोई मुझको श्याम बिन भाता नहीं। मन हरण मोहन नजरिया ता नहीं, मन हरण मोहन नजरिया ता नहीं, कोई मुझको श्याम बिन भाता नहीं, कोई मुझको श्याम बिन भाता नहीं। गूंजती कानों में मुरली मधुर, गूंजती कानों में मुरली मधुर, बिन सुने मुझसे रहा जाता नहीं, बिन सुने मुझसे रहा जाता नहीं। मन हरण मोहन नजरिया ता नहीं, मन हरण मोहन नजरिया ता नहीं, कोई मुझको श्याम बिन भाता नहीं, कोई मुझको श्याम बिन भाता नहीं। याद उनकी मैं बुलाऊं किस तरह, याद उनकी मैं बुलाऊं किस तरह, अब तो वो दिल से मेरे जाता नहीं, अब तो वो दिल से मेरे जाता नहीं। मन हरण मोहन नजरिया ता नहीं, मन हरण मोहन नजरिया ता नहीं, कोई मुझको श्याम बिन भाता नहीं, कोई मुझको श्याम बिन भाता नहीं। बढ़ गई हद से मेरी दीवानगी, बढ़ गई हद से मेरी दीवानगी, दर्द दिल मुझसे सहा जाता नहीं, दर्द दिल मुझसे सहा जाता नहीं। मन हरण मोहन नजरिया ता नहीं, मन हरण मोहन नजरिया ता नहीं, कोई मुझको श्याम बिन भाता नहीं, कोई मुझको श्याम बिन भाता नहीं। तान देता है मुझे सारा जहां, तान देता है मुझे सारा जहां, तानों से ये दास घबराता नहीं, तानों से ये दास घबराता नहीं। मन हरण मोहन नजरिया ता नहीं, मन हरण मोहन नजरिया ता नहीं, कोई मुझको श्याम बिन भाता नहीं, कोई मुझ
मुझको श्याम बिन भाता नहीं। नमो नमो भगवते वासुदेवाय। अंतिम मोक्ष न्यास नामी 18वां अध्याय प्रसंग कई दिनों से बहुत ही सुंदर और हमारे लिए बहुत कल्याणकारी चल रहा है। सच्चा सुख, स्थाई सुख। सच्चा सुख का अर्थ होता है सजनों, माताओं, बच्चियों, स्थाई अर्थात जो हमेशा रहे। दूसरी को हम झूठा सुख कहेंगे जो थोड़े दिन रहा और फिर ढूंढे जाने पर भी ना मिला। तो भगवान ने ये दो टुक फैसला कर दिया है कि संसार के जितने सुख है ये झूठी सुख है। कोई दो दिन रहा, कोई दो घंटे रहा, कोई दो महीने रहा, कोई दो साल रहा और चला गया। तो ये ऐसे सुख को हम चकमा बोलती हैं, धोखा बोलती हैं, भूल भुलैया बोलती हैं, माया के हथकंडे बोलती हैं, माया की चलाकियां और माया के फरेब के नाम से पुकारते हैं कि हमें ऐसा कर गया और उसके उल्ट चला गया, धोखा। इसे वंचना कहती है, ये वंचना है, यानी बता के विश्वास दिला के उसको उल्ट सजाना। इससे सुख मिलता रहेगा, विश्वास ही मिला लेकिन हुआ उसके उलट। आप उसको सुख नहीं कहते, उसको हमारे महापुरुषों ने झूठा सुख कहा, अस्थाई सुख कहा कि वो अस्थाई है। स्थाई सुख क्या है? भले ही उसमें लगानी पड़ता है, इसमें मैं और आप कुछ कर नहीं सकते। जो वस्तु जितनी कीमती होगी उसके लिए लेने वाले को उतनी ज्यादा कुर्बानी करनी पड़ती है। अब नियम ऐसा भगवान ने बनाया, मेरा और आपका सिर झुका पड़ा है, झुकाना ही पड़ेगा। जो वस्तु जितनी मूल्यवान होगी तो उतनी कुर्बानी करो, करनी पड़ती है। शुरू से नियम ऐसा है। अब ये आनंद जो सदा रहेगा आनंद, हमेशा रहने वाले आनंद के लिए बड़ी भारी कुर्बानी करनी पड़ती है। झूठे सुख के लिए कितनी कुर्बानी करनी पड़ती है, झूठा सुख है। शरीर को बरकरार रखना है, इसके लिए कितनी कुर्बानी करनी पड़ती है। पढ़ाई करनी है, फिर आगे कमाई करनी है, शादी करनी है, मैंने मां करनी है, कितनी कुर्बानी करनी पड़ती है। झूठे सुख को सुख कहे, मानस है मनमोद, जगत चबेना काल का कुख मुख में कुछ है। ये झूठा सुख, उसके लिए कितना कुछ करना पड़ता है।
दिन रात एक कर देना पड़ता है, माँ बाप जो कुछ करना पड़ रहा है, भगवान साक्षी है मुझे पर परमात्मा के चरणों को चूमने के लिए 100 गुना भी उतना काम करना, 100 गुना मुझसे ज्यादा मेरे पास और कुछ नहीं है, कई गुना आपने कुर्बानी ज्यादा की है, मेरे जैसे आपकी अपेक्षा बहुत कम की, सिर्फ एक माँ बाप बनने के लिए, गृहस्थी चलाने के धंधों को निभाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता आपको, के मुकाबले में आउटकम इनकम का सवाल है बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलता है, बहुत ही कम, इतनी भारी कुर्बानी करने के बाद जो फल आपको मिलता है वो कुछ नहीं, अंग्रेजी में आउटकम इनका बोलते मिलते आउटकम तो फिर ज्यादा होता है, मैक्सिमम आपकी मेहनत है और मिनिमम यानी अधिकतम आपका परिश्रम है और न्यूनतम उसको आपको फल मिलता है, थोड़ा सा सुख मेरी तो बुद्धि उसको सुख भी नहीं मानती, क्योंकि जो चंद्र के बाद बदल जाए वो सुख नहीं कहेगा मुझे, या जैसे मैं उस दिन कहा था दुख ज्यादा है उसके मुकाबले में सुख बहुत कम है, आटे में नमक कहूं तो भी मैं बकवास करूंगा सवेरे सवेरे, दुख सुख आटे में नमक भी तो नहीं है, क्योंकि बहुत सा दुख फिर बाद में खड़ा हो जाता है जो सुख को अपनी लपेट इस सुख को, भगवान ने कहा ये पहले बहुत चक्कर से कटना पड़ता है, इसलिए चक्कर चूंकि हमारे इरादे गलत थे यानी निश्चय उनको हटाने में बड़ी देर लगती है, फिर नीचे उतर आओ मन के विचार बड़े अजीब किस्म के थे उनको हटाने में बड़ी देर लगती है, फिर एक एक अंग की जो क्रिया थी वो बड़ी भरक थी, भाई सुख चलाने वाला सुख तो उसके लिए जीव को जुटना पड़ता है, लगना पड़ता है और अभ्यास करना पड़ता है, चूंकि जब पता लग गया कि ये परमात्मा से मिलना है, यह परमात्मा का दूसरा नाम ही आनंद है, भगवान का दूसरा नाम आनंद, भगवान को आनंद स्वरूप बोलते हैं, हमारी बहनता आनंद भगवान को हम आनंद स्वरूप, यही हमारे पास जुलम हुआ या हमारी बदकिस्मती, मेरे को तो बदकिस्मती इस रूप में है, यू मत कहिएगा मेरी शादी नहीं हुई बदकिस्मती हो गई, मुझे धन नहीं मिला बदकिस्मती हो गई, मेरा मुझे फसीयत नहीं है मेरी बदकिस्मती है, या मेरे माँ बाप मर गए मेरे बाद, ये ना कहा करो भगवान बड़े नाराज होते हैं, ये कहिए कि मेरी बदकिस्मती है कि मुझे हमें पता ही लगा ये हमारी बदकिस्मती, यू बोलना चाहिए माताओं बच्चियों कि हमें असलियत का नहीं पता लगा, हमें इस बात को समझ नहीं आई कि भगवान आनंद का ये इंसान पर जोर करना है, भगवान को इंसान को महरूम रखना, जैसे कहा जाता है आजादी इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इससे पहले बोलूंगा क्या भगवान को आनंद का घर जानना ये उसका पहला अधिकार, क्योंकि वो जीव है भगवान का अभिन्न अंश है, उसने सबसे पहले यह जानना था कि आनंद भगवान का ही दूसरा रूप है, जैसे मिठास हमें खान के अतिरिक्त कहीं से नहीं मिलेगी, या ईख या गन्ने के अतिरिक्त कहीं से नहीं मिलेगी, इससे आनंद भगवान के अतिरिक्त कहीं से नहीं मिलेगी, अब ये जान लेना था हमने पहली प्रकार, भगवान की इच्छा या हमारे खोटी कर्म या हमारी बदकिस्मती है या हमारा दुर्भाग्य कि जो असल बात थी वो जानी नहीं, गंदी मंदी बातें और घाते हम जानते रहे, उनकी जानकारियां करते रहे, जानकारी पहले सबसे ये जो होनी चाहिए थी और वो भी माँ बाप से होनी चाहिए थी, क्योंकि पहला गुरु माँ है, दूसरा गुरु पिता है, तीसरा गुरु पुरोहित है, फिर जगत गुरु भी तो बाद में हम चरणों में पड़ेंगे ना, इन्होंने हमें बिल्कुल ही वंचित, इनको पता ही कोई नहीं था, पहले तो ये देखा जाए इनको कोई पता नहीं, खाना पीना भोगना तिन्ने काम हड़प थे चाहे हमारे माँ बाप और चाहे थे पुरोहित कोई मोटे मोटे सप, ये तो इन्हीं में रह गए, अब पता लग रहा है अब भी मेरे तो कमी को पूरा कर ले फटाफट, कि आनंद का घर भगवान है तो अब फिर भगवान की प्राप्ति, अब भगवान की प्राप्ति का मतलब यह है कि जो कुछ मैंने पहले किया है उससे मन को हटा लेना होगा, क्योंकि जो चीज गलत है उसे तो हटानी पड़ेगा, जो चाहे शुद्ध है नापाक है दुखदाई है अनित्य है और धोखा देने वाली उससे अपने मन को खींच लेना पड़ेगा, क्योंकि बुरे से अधूरी बुरे का इलाज हम दूर नहीं कर सकते संसार से, अपने को दूर कर लेंगे, हम गंदे इरादे गंदे विचारों को संसार से नहीं भगा सकते, गंदे कर्मों को संसार से नहीं भगा सकते, वो संसार में रहेंगे, हम ही अपने आप को हटा ले तो, जैसे हम लोग सिनेमा नहीं जाते, हमारे जैसे अम्बाला में सिनेमा हुआ ना हुआ, हम शराब पाने जाते हैं जैसे शराब पाना हुआ या ना हुआ, हमारे और गंदी जगह नहीं जाते तो जैसे वो हमारी ही है ना, जैसा हम ही ना चाहे तो जैसे हो ना चाहो, बात तो ये हम संसार से नहीं हटा सकते, हम ही नहीं चाहते, जो भवन में सत्संग में नहीं सुनने आते उनके लिए जैसे सत्संग भवन हुआ हुआ ना हुआ, तो आप यही कर सकते हैं बुरे से या दूरी बुरे का इलाज, कि अपना मन उपराम हो जाए और मन उधर में जाकर के अपने भगवान में लगे, अपने प्रभु ये बातें आप जुटाए रखे, बस मौज बाहर हो गई, बड़ी मौज बड़ी मौज बड़ी मौज,
दुनिया से बुराई नहीं जाएगी। दुनिया को भगवान ने द्वंद्व में बनाया, मुतजाद बनाया, एक है तो दूसरा भी होगा। हमने हटा लेना है। दुकानदार को चीजें बेचना गंदी मंदी, इसको हम नहीं चाहते। हमारा कोई हक नहीं उस पर अटैक करना। हमारे ये जो हमें चाहिए वो लेके चलते पड़े, अपने थैले में वो डाले जो हमें चाहिए और चल पड़े बस। इसी तरह इस दुनिया रूपी दुकान पे आए हैं, हमने जो चाहना है वो ले। जो हमारे भाव और विचार बनते जा रहे हैं हम इसके अनुसार अपने बनाते जा रहे हैं। और ये भाव बैठा ले कि अगर मैं सुनने वाली आनंद चाहती हूं, मैं खुशी मुसर्रत चाहता हूं, तो मुझे भगवान के पास डायरेक्ट पहुंचना होगा। और भगवान के पास जाने के लिए बड़ा आसान तरीका बताया भगवान ने, सच्चे दिल से क्या मेरे महामंत्र का जाप करते रहो। तो करते 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 रस आ जाता है, रस से फिर जीव की मन शुद्ध हो जाता है, शुद्ध से जीव का मन एकाग्र हो जाता है। एकाग्र के बाद तो भगवान मुस्कुराते हुए उनको बुलाते हैं। जो जीव ने अपने आप को गुम किया, भगवान ने आकर ढूंढ लिया है। ये बड़ा आसान मार्ग है, बहुत आसान। यज्ञों में जप यज्ञ निराला हूं मैं, बहुत ही गजब का है। इसमें सब ये चाहिए, सच्चाई चाहिए और लगनता चाहिए, सत्यता हो और लगनता, और मन में ये तीव्र इच्छा हो मैंने अपना कल्याण कर लेना है। ये साधन सारे साधनों से सुगम सरल सुबोध और क्या बहुत ही मधु से या मिठास से भरा हुआ, बहुत ही अच्छा है। इसमें हम अपने जुटाए रखें, लगाए रखें, अपनी वृत्ति हजूर में जुटाए रखें, बाकी संसार के धंधे और भी काम करें, और भी जितना हमारे सोच सकता है काम करते जाए। इससे पेशतर के काल जबरदस्ती में ले जाए और ये सारे धंधे काम करवा दे अपने आप को। जैसे नहीं मेरे बिना ये नहीं बने, नहीं ये हम भूल ना करें। मैं आप अगर आज ही छोड़ दे तो ये फिर भी होते रहेंगे। ये मन की बड़ी भारी भूल है। जब मन ये धोखा देना चाहे ये मेरे बिना ये सरना नहीं, अब अटैक करो मन को। मन अगर तेरे प्राण उड़ जाए तो फिर सरेगा कि नहीं सरेगा? अगर तू मर गई, तेरा हार्ट फेल हो गया या रात सुती रह गई तो क्या बनेगा वो? फिर भी सरेगा। तो अब भी क्यों ना मान ले कि मेरे बिना सही है, बतेरे कहेगा मेरे बिना सरना नहीं। दुनिया फिर भी रब की है, चल रही है, चली चली जा रही है। बतेरे माँ बाप मेरे बिना आएंगे, मेरे कुत्ते कुत्ते की तरह, मेरे बच्चे कुत्ते की तरह आकाश को देख देख के रोएंगे सालों, पर कुछ नहीं हुआ। ये दुनिया चलती है, इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। या कई रुस्तम आए, सैराब आए, कई सिकंदर आए, कई माँ बाप आए और औलादे फिर भी चल रही है। कई हो गए बेचारे, विधवाएं हो गई, कई यतीम हो गए, लेकिन भगवान अपनी दुनिया फिर चाहे जा रहे हैं। अगर उनके चले गए हैं सरप्रस्त, तो दूसरों में प्रेम और श्रद्धा डाल करके भगवान का काम चला देती। भगवान बड़े होशियार है, चला कर उनको दुनिया बनानी है, उन्होंने एक से अनेक करनी है। सभी मानी होती गली मोहल्ले वाले अबाले में दृष्टांत पड़े हैं। माँ बाप मर गए, पहले बाप मर गया, फिर माँ मर गया अस्पताल के अंदर, हाँ उसके बाद बच्चे यतीम हो गए। गली मोहल्ले वाले अब तक भी बहन भी बहन में आटा देगी, मैं डाल दूंगी, वो परिवार पाल रहा है। आपके रिश्ता धक्का वाले उनकी माँ पिटती हुई मर गई, मेरे बच्चे रुल जाएंगे, मेरे बच्चे गलियों में धक्के खाएंगे, हाँ इनको कोई निगरानी नहीं करेगा। भगवान मुस्कुरा रहे, तू दुनिया की रब आ गई है, तू को दुनिया बनाने वाली है। अगर सबको रैन भर दिया गली मोहल्ले वाले, बच्चे उनके वही पढ़ाई कर रही है, वही उनका सब कुछ हो रहा है। बड़ी बहन को शायद उन्होंने कहीं नौकरी लगवा दी है मिलजुल करके, अफसरों के पास जाकर के। ये इससे साबित होता है अन्नदाता ना माँ है ना बाप है, अन्नदाता परम पिता। प्रभु देता है भोजन उसको भी जो कीड़ा रहता काट में है, फिर चिंता आकार होता है करनी जब डोरी उनके हाथ में। कोई लोग हीला वसीला बना देते हैं भगवान, तो ये ना कहना मेरे बिना ये नहीं सदगल। बड़े सख्त नाराज होते हैं भगवान, दो बातों पर नाराजगी बड़ी होती है। क्या जब हम जमीनें बांटते हैं, जमीन कहती है अरे बतेरे बांट के चले गए मैं वैसे ही वैसी, या मेरे बिना नहीं सदगा भगवान तेरे जैसे हजारों ये कह के चले गए ये फिर भी सर रहा। बड़े सख्त नाराज होते हैं भगवान, या डॉक्टर पर नाराज होती है, बस मैं तुझे ठीक कर दूंगा, अरे मैं ठीक करना चाहूं तो ठीक होगा ना। हम बड़े संभल के बोला करें, सब कुछ होता रहेगा, सब कुछ बनता रहेगा, बतेरे आए बतेरे चले गए, इसलिए मन को शांत रखिएगा। मैं चली गई तो फिर भी तो होता रहेगा, अभी तो ना समझ लू पर अपने आप को शांत कर लू, अपने आप को आनंदित। कभी तुम्हें छोटी छोटी बच्ची है, मन में चिंता करता रहेगा। छोटे बच्चे में चले तो भगवान की काल ने देखना कितने दृष्टांत दे सकता हूं, जिनको मासूम बच्ची है, अबोध बच्ची है, माँ बाप जा चुकी है, बिल्कुल अबोध बच्ची है, फिर भी उनका सब कुछ हो रहा है, बन रहा सब। कोई चाची ले गई, कोई मम्मी ले गई, कोई ताया ले गया, सब पल रही है और छोटे बन रहे हैं शांत। इसलिए बिल्कुल शांत होके अपने जुटे रहिए कि ये तो मैंने कर दिखाना है, मैंने प्रभु की ओर जाना है, अपने आप को लगाना है। सच्ची बात में आज सवेरे सवेरे फिर कहना चाहता हूं, अब जब ये पता लगता है अनंत का घर परमात्मा है, और परमात्मा की ओर जाने के लिए हमें लाजमी तौर पर अपनी वृत्ति संसार से हटा लेते हैं। मुझे चाहे हजार बार सुन लो, चाहे सौ बार सुन लो, संसार से वृत्ति हटानी पड़ती है लाजमी तौर पर। मैं कह रहा हूं अनिवार्य नागजीर है ये वृत्ति को संसार से हटा लेना।
जब पता लग गया कि इस गली नहीं उस गली, जो मैं चाहता हूं वो बाहर नहीं अंतर, तो बाहर कौन जा रहा है और वो अंतर जाएगी बाहर से उत्पाद होंगे, लाजमी तौर पर जाना पड़ेगा। कौन बार मुखी था? मन। और किसको पता लगा कि आनंद मेरे परमात्मा में है? मन को पता लगा। तो मन क्या करेगा? अंतर जाएगा। ये सुख भगवान कहती है वो किसी ताल्लुक से नहीं होता, किसी संबंध से नहीं होता। हम अनेक जन्मों में ताल्लुक से सुख पाते रहे, मां से, बाप से, यानी मेल मिलाप से, यानी संयोग से, यानी अपनी कामना पूरी करके। पहले कोई कामना करके मन को भटका दिया, फिर उस वस्तु को प्राप्त किया, तो जब भटकन की ओर बंद हो गई तो ये समझ आई कि शांति मिली कर, वो तो मिली अपने भीतर से। अगर आप पहले कामना ना करते, अपना स्वभाव करण करते, तो मन विक्षेपता में नहीं आता। अब पहले तो मन को विक्षेपता में डाल देते हैं, फिर कामना करते, फिर वो कामना पूरी होती है तो वो विक्षेपता दूर होती है। हम ये समझते हैं कि कामना से कुछ मिल रही है, यानी मेरी इच्छा पूरी, बड़ी गजब की बात है जो ऋषियों ने सदस्य की। अब हमारा माना अच्छा है, बिल्कुल शांत, हमें खुशी अपने भीतर से मिल रही है। अगर और भी अभ्यास करोगे तो और ज्यादा मिलेगी। तो कोई कामना करके टिके हुए मन को आप भटका दें, वो मन क्या भटक। अब जब तक वो चीज मिलती रही, मन बार मुखी है, वो मिलेगी तो वस्तु से आराम ना आया, मन के टिकाव से आराम आया। मन से, और जिसने ये नुकता सीख लिया कि मन को मैंने हमेशा भी टिकाना है, वो फिर अंतर्मुखी हो जाएगा, बार मुखी कभी नहीं। इसलिए उसे दायम, कायम, लाजवा, लाइजाल, शाश्वत, सुखाई एवं सदा रहने वाली शांति, बड़ा अजब का नुकता है ये। इसलिए हजूर ये हमें प्रेरणा दे रही है और रास्ता बता रहे हैं, वो सुख मिले आत्मा की, वो आत्मा जो आप मेरे और आपके अंदर आत्मा कहलाती है और सर्वव्यापी रूप में वही परमात्मा। जैसे हम कहेंगे तप का सूरज, बाल्टी का सूरज, बाल्टी का कभी सूरज नहीं होता। सूरज तो एक ही है जो लगन पे चमक दमक रहा है, उसमें उसकी छाया पड़ रही है, तो जैसे जैसे बर्तन या पात्र में वो उसका प्रतिबिंब या परछाई पड़ रही है, वैसा वैसा उसका नाम पड़ता जा रहा है। वरना ना इतने सूरज है और ना किसी पात्र का सूरज होता है। सूरज जो होता है आकाश का, गगन का, वो तो ऊपर का सूरज होता है। इसी तरह आत्मा जो भगवान का ही ऐश्वर्य शक्ति है, वो जब पता रहता है कि आनंद का घर है, तो फिर आप भीतर प्रवेश करते हैं। दुनिया कहती है गुलाब जामुन बड़ा अच्छा होता है, फलाना सारी मिठाई बड़ी अच्छी होती है, लेकिन दरअसल देखा जाए तो खांड ही अच्छी है जिसका रस इन सब के अंदर समाया हुआ है। ऐसा जान लेने वाला फिर नहीं चाहता मिठाई मुझे। तो इस तरह जिसको ये पता लग गया कि रस का घर तो परमात्मा है, एक नुकता पकड़ने वाला जी, रस अंदर से मिलता है। हम गलती समझते हैं कि मुझे माँ से मिल रहा है, बाप से मिल रहा है, दसलो एकाग्रता हो गई है। कुत्ते वाला हाल है, भूख के मारे मारे चक्कर काट रहा था, अचानक एकांत में उसे कहीं हड्डी का टुकड़ा मिल गया, वो झाड़ी के ओट में बैठ कर खाने लगा। अब हड्डी में तो कोई मांस नहीं है, उसे चबाड़ा मारा जोर का, अब चबाड़े में से खून निकला। अब वो समझता है कि मुझे हड्डी से रक्त आ रहा है, कौन समझाए किसको क्या कहा जाए। अब वो चबाड़े मारी जा रहा है, अपने चबाड़े को जख्मी करता जा रहा है, अपने से खून निकल रहा है, उसे हड्डी से मुझे मिलता है। इसी तरह हमें अपनी एकाग्रता से अंदर से रस मिलता है। हम कहते हैं मुझे मैं भी ये हो गया, मुझे नौकरी मिल गई है, मेरे पुत्र की शादी हो गई है, मेरी ये हो गया है, मिलता हमें अंदर से। Because mind now is stand still and no wavering. Wavering होती है और मन को शांति नहीं मिलती, या wavering stop हो जाती है और शांत। ईश्वर ने तो ढूंढ निकाला कि ये wavering सदा के लिए कैसे बंद हो जाए, हमेशा के लिए कैसे बंद हो। उन्होंने सोचा कि हमेशा के लिए तब बंद हो जाओ, हमेशा रहने वाली वस्तु प्राप्त हो, और हमेशा रहने वाली वस्तु परमात्मा है। इसलिए उन्होंने अपनी वृत्ति अंतर में निकाली और सदा के लिए शांत हो गए, सदा के लिए आनंदित हो गए। ये एक बात पकड़ने वाली थी, वरना क्या होगा, भटकते रहेंगे, बेचैन रहेंगे, बेकरार रहेंगे। इसलिए आप मुझे और आपको पाठ पढ़ा रहे हैं, वो सुख मिले आत्मा के ज्ञान से, सतोगुण यही सुख है पहचान। असल तो सुख वही है जो आपके भीतर का है। आप कई जन्म धोखे में रहे, इचक व्यवहार करते रहो, लेकिन ये मन में भाव रख करके हमेशा रहने वाला सुख तो मुझे अपने अंदर से मिलना है, और उसके लिए मैंने खोजी बन के अभ्यास करते चले जाना है। मैंने जुटे रहना है, लगे रहना है, मुझे पता लग गया है कि बिचरा वाली शांति मुझे भीतर से मैं जाप करती रहूं, भजन करती रहूं, एकांत में ज्यादा ज्यादा बैठने की कोशिश करूं, और जो भगवान जी की वाणी पर सोचती रहूं, जरा विचार करता रहूं, ताकि मन मेरा और भीतर और भीतर और भीतर
जरा प्रवेश करता जाए और प्रवेश करे और प्रवेश करे और प्रवेश करे और बात बन जाएगी। धीरे हमारा हाल तो वो होना चाहिए आपका, वो जो राज होता है जो मकान बनाते हैं, हाँ आप उससे कमाई भी करनी है और वो चाहते हैं लोगों की इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के आ गए, मेरे तो कुछ ही नहीं है। वो क्या करता है, मरलों में जाता है अपने मंडी में या बाजार में या मार्केट में काम करने के लिए, तो रोज वो और उसकी घरवाली उसका पुत्र उसकी लड़की वो बच जाता है, राज बाकी बन जाते हैं मजदूर, सुधरा करके बनाई जा रहे। मानो दो सालों में उनकी बिल्डिंग शानदार बन गई, पहले घर में अपने मकान को बना लेता है, हाँ फिर कमाई के लिए बाहर जाता है, धीरे करते करते दो सालों में उसकी बिल्डिंग बना दी अपनी धोधे करते। इसी तरह सजनों हमने ये जान लेना है कि शांति मेरे अंदर है, व्यवहार हमने बाहर करना ही है, तो हमारे कर्जियां ये, लेकिन धीरे अपने अंदर से मैल बनाती चला जाना, खोज अंदर करते जाना है, करते जाना है, करते जाना और बाहर से अपना व्यवहार करते जाना। शाबाश, ये तो सुरंग खोदने वाली बात है, कोई नीचे से सुरंग खोदता जा रहा है पता नहीं कहां से कहां निकल जाता है, धीरे खोदना है। इसलिए थोड़ा अभ्यास करते हुए अपने अंदर से अपनी खोजी बनते जाना है, बाहर से मां भी बनना है, बाहर से पत्नी भी बनना है, ये तो आपको बनना पड़ेगा ना, क्योंकि आपका व्यवहार ऐसा हो रहा है, तो इतना तेज लहराज भी नहीं आए और संस्कार भी कम है उनके लिए, फिर यही होता है उधर लगता है इधर भी छोटा करते रहा, फिर पहले पता तो लग जाए, पता भी लग जाए, पूरा यकीन भी हो जाए, पूरा विश्वास भी हो जाए कि वो सुख मिले आत्मा की ज्ञान से। मान लो मेरे भगवान जी कह रहे हैं ये सुख मिले आत्मा के ज्ञान से, सतोग यही सुख है पहचान, इसके लिए कोई बात नहीं, हमने दुनिया में भी देखती है, तजर्बा भी हमारा ये कहता है, जो वस्तु जितनी कीमती थी उसकी प्राप्ति में उतनी ही कठिनाइयां उतनी ज्यादा कुर्बानी करनी पड़ी। अब मन में बिठा रहे थे भगवान से बढ़कर तो कोई वस्तु कीमती ना थी ना है ना होगी, इसके लिए बढ़कर कुर्बानियां करनी पड़ेंगी, कोई बात नहीं। इसलिए हुजूर ने कहा ये पहले है जहर फिर आबे हयात, इसके लिए पहले बड़ा मुकाबला करना पड़ता है अंदर भी बाहर भी, बाहर समाज का पत्नियों का लोगों के तानों का और अंदर अपने पुराने जज्बात का आदात का ख्याल, बातों को दोनों तरफ जैसे कि मानो चक्रव्यूह में कोई गुजर रहा हो तो दोनों तरफ खड़ी हुई फौजों का मुकाबला करना पड़ता है। पढ़ी होगी आपने चक्रव्यूह में आ तो गया, दोनों का मुकाबला किया इधर 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 इधर, तो शासक को दोनों मुकाबला करना पड़ता है अंदर का भी बाहर का, अंदर उसके अपने भावनाएं पुरानी दूषित भावनाएं दूषित विचार दूषित निर्णय इन सारों का मुकाबला और बाहर का जो वातावरण है क्योंकि लोग उसको अपने अजीब समझते हैं। किसी चिड़िया को रंग दो बाकी चिड़िया चोंचे मार मार के मार देंगी, वो समझती नहीं कि ये चिड़िया होकर इसका रंग बदल गया है, ये हमारे जाति की नहीं है, कोई भी जाति की आगे। इस तरह हम जब अभ्यास करती है हमारी चाल धार हमारी बातें, लोग समझते हैं ये ढल्ला हो गया है पागल हो गया है ये हमारे तरह नहीं बना, तो आप सारे मार मार के मारना चाहिए खत्म कर देना चाहिए, तो बाहर का भी मुकाबला और फिर अंदर पुरानी आदत अंदर को ओवरहॉलिंग हो रही है उसका भी मुकाबला। हिम्मत मरदाना चाहिए करना चाहिए, बड़ी हिम्मत चाहिए, कोई कोई नरों में और नारियों में तो बहुत ही कम जो इतना मुकाबले की शक्ति रखती आगे बढ़े, किसी किसी में भगवान शक्ति देता है, इसलिए तो हजूर को कहना पड़ा क्या हजारों में होगा कोई हाल हाल, वरना हजूर हमारे कभी ना ये कहते मनुष्य नाम शास्त्रे तू कश्चित व्यक्ति, हजारों में कश्चित कोई क्या भगवान की प्राप्ति के लिए जुट जाएगा और जुटने वालों में से भी कोई कोई भगवान के घर तक पहुंच जाए, जुटने वाले भी गिर गए तो लोगों के ताने पर गिर गए या कोई शरीर न चला तो गिर गए या मौत ने गिरा छोड़ा या कोई प्राणी बच्ची हावी आ गई फिर अपने फेंकू थोक को चाटने लग गए फिर वही धक्के खा गए, दिले जी में भगवान के दिलों में मेरा और आपका नाम हो जो बढ़ते जाए निकलते जाए और भगवान के चरणों पर पहुंच जाए, सब मेरा पार हो जाता है मेरे सजनों मेरी अच्छी माताओं और चले ये मान लो अच्छी तरह कि आराम का घर पर खड़े हमने आपने अनुभव किया, मेरी इस बात पर विश्वास कर लो, शास्त्र पर विश्वास कर लो, अनुभवियों पर विश्वास कर लो कि सब के घर पर बात करें और हम इतने अभ्यास करते हुए जरूर पहुंच जाए, चाहे दिल्ली नहीं देखती हो सिर्फ ये पता है कि गाड़ी पर बैठ जाए खिलाड़ी गाड़ी जाती है और वाया करनाल जाए तो ये स्टेशन खराब करते हुए दिल्ली आएगा, अरे दिल्ली देखते ना कोई दिल्ली पता मान लेती है ना तो राखी दिल्ली आ भी जाती है, हमारे सामने उड़ जाते काफी बातें जो हमने विश्वास करके हुआ है, काफी बातें ऐसी काफी जी हमारी बहन है तो हम तो बाद में पैदा हुए तो विश्वास के लिए हमारी बहन है, हमारे माँ बाप है तो पता ही नहीं हमारे माँ बाप है,
विश्वास कर रहे चाहिए हमारे माँ बाप पर, जहाज पर चढ़ती है पता नहीं है कि हमने जनता में सारे पहुंचने का रस्ते भी एक्टिव करा, फिर भी अपनी अनमोल जिंदगी उस एक पायलट के हवाले हमने कर रखी है। सैकड़ों इंसानों ने अपनी जिंदगी को पायलट के हवाले लिखा, आज देखते रहती है एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, टकरा गया, ये हो गया, फिर भी एक इंसान के हवाले। इसलिए कहते हमें मान लेना पड़ेगा, विश्वास करना होगा भगवान की तरफ। हम काल में जाते हैं पानी की तरफ बहाती है, क्या गारंटी है कि आप पास जाओगे, पर मान लिया है कि पास हो जाएंगे। ध्यान मारना कितना कितने आप कारोबार करते हैं, हजारों रुपया लगा लेती है किसी विश्वास पर के नफा होगा। अब ये क्या पता नफा होगा घाटा होगा, दोनों चीजें पास हो जाती है, नफा भी होगा आएगा, फिर भी आप जूझ रही है, जुट रही है, लग रहे हैं, फिर भी अपने आप को लगाए जा रहे हो, जुट रहे हो। पंजाब में आप आए दिन देखती है कोई ना कोई जो है दुर्घटनाएं हो रही है, मार रहे हैं, कतल कर रही है, लाइने उतारी जा रही है, फिर भी मैं बड़ा हैरान होता हूँ सफर करने वाले बाहर भी जा रहे हैं, फिर भी जा रहे हैं, नाइट सफर पता है कि खतरे से खाली नहीं है, फिर भी कर रही है। तो अपने मन को मैं लालच मारता हूँ कि मनवा ये तो हमें भी भगवान पर अटूट विश्वास कर रहे हैं, आए थे दुर्घटनाएं हूं और फिर भी बात ना आए, फिर भी कट जा रहे हैं, होता जा रहा है, बनता जा रहा है, हमें भी अपने मालिक पर अटूट विश्वास हो जा रहा है। वाले कितना कर रही है भक्ति, मैंने कहा अनमोल जिंदगी कलेक्ट के हवाले करती है, अनमोल जिंदगी है, ड्राइवर के हवाले कर देती है जो गाड़ी चला रहा है या जो आपकी बस चला रहा है, हालांकि आज के नंबर देखते हैं बसें और ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। इस तरह हम भी अटूट मान के कि जो मेरे भगवान कह रहे हैं अपनी जिंदगी उनके हवाले कर, इन्हीं द्वारा ही मेरा लोक परलोक बन जाना है और मेरा कला। फिर बहकाने वाले बकवास करेंगे पर हम एक न माने, हम जरा बात भी न माने, फिर मेरा पाप ये मन में रख लें कि जी सुख मिली आत्मा से, जैसे वो गलती से रख लिए जो सुख मिले कंचन कामी की से या जरजम जमी से या मनी वेस्ट नेम फेम एक्सेट्रा से ना, पूरा सुख जो हमेशा रहने वाला वो भगवान से मिलना, वो फिर कोई लाख बात नहीं रहता है। एक भी अभ्यास दुनिया वाले ने अभ्यास नहीं करते, सिर्फ कटाक्ष करना जानती, दुनिया वाले करना कुछ नहीं जानती, जो कर रहे हैं उनकी बदबोई करते रहे और अपने दिमाग को खराब करते, हमने उनकी बदबोई में जरा पर हिस्सा लेना या सुनी और सुनी करते हुए निकलते जाना। बात भगवान ने हमें बकाया नहीं है, भगवान ने हमारे कल्याण के लिए अपने श्रीमुख से कहा है बस नॉट टू रीजन व्हाई बट टू डू एंड डाई, अपने आप को लगा लगा करके जल्दी कल्याण कर रहे। अगर दुनिया वालों की बात सुनने लग गए तो फिर ना हम लोक के रहेंगे ना परलोक के, धोबी के कुत्ते की तरह ना घर के ना काट के, अब तो बस लगे रहना है। और ये मान ऐसा मान लिया, ऐसा गहरा अवतार लिया, बस यही रास्ता है मेरे कल्याण का और सदा रहने वाली मेरी शांति का। राह को जा पा लिया मंजर नगर आन, फिर तो जी बड़ी जल्दी अपने घर में पहुंच के अपना लोक पुल बना के अपना जन्म सफल करके जाता है। यार अभी पाठ कर रहे थे 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार, पराए से अपने सुबुक्तियर सुपराए, फर्ज यही नहीं है कि पत्नी के पति पति के प्रति देखे हुए, ये तो फर्ज है ही, गंदे फर्ज माने गए हैं। अपनी फर्ज इंसान का परमात्मा की तरफ जाना है। हमने गधे के पलंदे दांत, जैसे गधे के ऊपर आप पलंदे डाल देती है, गधा पलंदे लेके पैदा नहीं हुआ, हमने डाल फर्ज हमने खुद सुपर इम्पोज बना लिए, हमने आपने समझ लिया है असली फर्ज तो हमारा परमात्मा का, ये तो हम मान के गलती से मान सुपर इम्पोज किए, चलो करे रहो फिर असली फर्ज इंसान का हो। तो किसी माँ पर से पूछा गया था असली फर्ज परमात्मा की प्राप्ति है इसका क्या प्रमाण है, उन्होंने कहा ये वो फर्ज है जिसको पूरा कर लेने के बाद कोई और फर्ज नहीं देता, और दुनिया वाले ऐसे गंदे फर्ज है कि एक पूरा करो दूसरा फिर खड़ा हो जाएगा, दूसरा पूरा करो तीसरा फिर खड़ा हो जाएगा, चौथा पूरा करो पांचवा, क्योंकि ये गैर जरूरी और अपने बनाए हुए हैं, और वो हमारा असली फर्ज है जिसे पूरा कर लेने के बाद कोई बकाया ना फर्ज रहता है ना कर्ज रहता है ना फर्ज रहता है, ना फर्ज ना कर्ज ना गर्ज रहता है। अपने हमारा सबसे पहला फर्ज है भगवान के प्रति, अपने मन को मना लीजिए और अपने अभ्यास को जारी रहिए। भूल भूल थी, जबरदस्त भ्रांति थी कि वे सुख की तलाश यूं यूं कर रही थी, लेकिन असली सुख भगवान से अपने इष्ट से। मैं आपकी बड़ी भलाई करूंगा अगर ये बात आपके मन में बिठा दूं कि आनंद का घर भगवान है, उनकी प्राप्ति में मुझे हमेशा रहने वाला सुख मिलेगा, उनकी प्राप्ति में बड़ा कल्याण है, बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा आपकी साधु का। अगर ये बात आप अपने मन में रख और मेरे भगवान मेरे पर बहुत खुश हो जाएंगे, अगर आपकी भ्रांति दूर हो जाए और उसकी जगह ये भाव पैदा हो जाए
कि वो सुख मिले आत्मा की ज्ञान से, न के बाप की पहचान से और पत्नी की पहचान पत्नी पहचान से। ये तो थोड़ी देर के लिए सुख है, वो सदा रहने वाली शांति। प्रभु कृपा करेंगे ये बात आपने सदा के लिए बांध करके अंतःकरण में बैठ जाए। सदा रहने वाली शांति मुझे अपने भगवान से मिलनी है, जहान से कदापि कदापि कदापि। फिर आपका दिन दुगनी रात चौगुनी अभ्यास जारी हो जाएगा। हर दिन धन्यवाद आशीर्वाद। पर मैं चाहता हूं मेरे साथ मोहारनी जरूर दे लू, ये बात गहरी उतर जाए। वो सुख जी से हासिल वो दुख से निजात, वो पहले है जहर पेराबे हया, सुख आत्मा से मिले ज्ञान से, बच्चे है सतो गुल वही सुख कहे